क्योंकि 18 साल में तब उनकी शादी तय की जाती है, तो वो घबरा जाती हैं, मानसिकता का शिकार हो जाती हैं, जिससे अधिकतर लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं। सर कुछ लड़के जैसे सर बड़ी बहन के साथ छोटी भी उसकी शादी कर देते, वो ऐसे फंस जाती है सर, वो तो बड़ी के साथ फंस जाती है छोटी, तो अब सर सही होगा कि अब 21 साल की नहीं होगी। सर मतलब मेरी छोटी बहन यानी कि मेरी शादी करना चाहते हैं, तो सर मेरी भी जो छोटी बहन है उसके भी साथ साथ यानी कि कर रहे हैं, यानी कि तो मतलब सर हो रखे ये केसेज बहुत ज्यादा। बच्चों के साथ खड़ी है, तो इस फैसले को लेकर कितना आप सही मानती है, कितना गलत मानती है? सर मेरा खुद का मानना ये है कि कुछ हद तक सही भी और कुछ हद तक गलत भी है। गलत कैसे? गलत ये हो सकता है तो कई जैसे कि ये भागने वाले ज़्यादा केसेस होते हैं, क्यों नहीं होते, जैसे लड़कियां स्कूलों में भी ऐसे या अरे गरे चक्रों में मतलब फंसने लग जाते हैं, तो उनकी शादी कर देते हैं माँ बाप। लेकिन मेरी तरफ से कई लड़कियाँ ऐसी होती कि माँ बाप ये सोचते कि इसकी लड़की की कर दी शादी, चलो हमारी भी कर दी, लेकिन किसी किसी लड़के कई क्या होते हैं कि पढ़ना चाहती है। नमस्कार, स्वागत है आपका MGN हरियाणा लाइव न्यूज़ पर। आज हम आए हैं महिला महाविद्यालय के अंदर, और आज जैसे आपको बता दें कि जो सरकार ने एक फैसला लिया है बच्चियों को लेकर के, उनकी जो शादी की जो साल है वो 21 साल कर दी गई है, क्योंकि पहले 18 साल निर्धारित की गई थी, अब 21 साल कर दी गई है। तो कुछ हमारे साथ कॉलेज की बच्चियाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि ये फैसला कितना सही है या कितना गलत है। वो ये गुड़िया काफ़ी खड़ी है, सबसे पहले आप बताइए जी क्या नाम आपका? मेरा नाम मोनिका चौहान है। सर सरकार ने जो ये 18 वर्ष से बढ़ा करके लड़कियों की उम्र 21 वर्ष की है, ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है सरकार ने लड़कियों के हित में, ताकि लड़कियों को आगे 3 साल जो बढ़ाएगी उनमें अपने सपनों को उड़ान दे सकती है, अपना करियर बना सकती है, फैमिली की तरफ भी देख सकती है। मतलब कि बहुत अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने लड़कियों के हित के लिए। आगे बहुत कुछ मतलब कि जैसे परिपक्व हो जाती है लड़कियों में, एक अलग से मैच्योरिटी आ जाती है, तो वो भी बहुत मायने रखते हैं सर लड़कियों के लिए भी, और समाज में भी थोड़ा एक अलग ही एग्जाम्पल होगा। आपके कितने साल हो गए? मेरी 21 हो गई है सर। 21 साल। हाँ जी सर। तो अभी जैसे जैसे कॉलेज से पहले ही जैसे बच्चियां अगर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होती हैं, तो वो जैसे शादी के लायक नहीं होती है, मैच्योर नहीं होती है, उसको देख करके पहले शादियां जैसे उनके परिवार वाले तय कर देते हैं, तो अभी एक उस पर एक बंदिश लगा दी गई है कि 21 वर्ष तक तब तक से बच्ची नहीं होगी, उसकी शादी नहीं होगी, सरकार ने तय किया है। तो आप बताइए किस तरह का आप इसको समझते हैं? मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा कदम है ये सरकार का, क्योंकि 18 साल की उम्र में लड़कियों को इतनी परिपक्व नहीं होती वो, क्योंकि 18 साल में तब उनकी शादी तय की जाती है, तो वो घबरा जाती हैं, मानसिकता का शिकार हो जाती हैं, जिससे अधिकतर लड़कियां सुसाइड भी कर लेती हैं। ये सरकार ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है लड़कियों के प्रति। नहीं, पहले तो हम देखते थे कि जैसे लड़कियां 18 साल ना होते हुए भी जैसे घर से भाग करके शादी कर लेती थी, इस तरह के हमें काफ़ी केसेस यहाँ सुनने को मिले। अभी जैसे साल बढ़ा दी जाती है, तो इसमें भी आपको क्या लगता है कोई प्रॉब्लम हो सकती है क्या? लड़कियां जैसे अभी शादी के लिए जैसे तैयार हैं तो फिर उसकी शादी नहीं होती है, या फिर वो इस तरह के कदम गलत कदम उठाती हैं जिससे कि समाज में और उनके परिवार वालों को काफ़ी दिक्कत होती है उसको? 18 साल में सर लड़कियों को इतनी समझ नहीं होती, तब वो 21 साल के हो जाते हैं तो उन्हें थोड़ी बहुत समझ आ जाती है इसके प्रति, वो गलती से ऐसा कदम उठा लेती हैं, फिर बाकी बाद में सर उसको पछतावा होता है सर उनको। ठीक है मैडम, आप बताइए जैसे आप भी यहाँ बच्चों के साथ खड़ी हैं, तो इस फैसले को लेकर कितना आप सही मानती है, कितना गलत मानती है? सर मेरा खुद का मानना ये है कि कुछ हद तक सही भी और कुछ हद तक गलत भी है। गलत कैसे? गलत ये हो सकता है जैसे कि मान लिया कि 21 साल तक लड़कियां पढ़ने के लिए आगे निकल दी हैं, तो सही है ये, इस बात को मैं सही मान सकती हूँ, पर गलत ये इसलिए भी है क्योंकि जिन जो गरीब परिवार हैं वो अपनी छोटी बेटी की शादी 18 साल की होने के बाद करते हैं, तो वो नहीं हो पाएगा एक तो, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो भागने वाले केसेज हैं ये मेरे हिसाब से बढ़ेंगे। नहीं, इसमें आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, परिवार को मानते हैं या खुद लड़की जिम्मेदार? मेरा खुद का मानना ये है कि जो लड़कियां पढ़ेंगी वो 18 साल हो चाहे 21 साल हो चाहे 25 साल कर दो चाहे 17 साल भी कर दो, तो भी पढ़ने वाली लड़कियां आगे निकलने वाली लड़कियां निकलेंगी ही। तो ये मानते हो कि दोनों आप सरकार का फैसला जो है कुछ सही भी है कुछ गलत है? कुछ सही है सर कुछ गलत है, दोनों डिपेंड करता है कि नेगेटिव व्यूज भी आते हैं और पॉजिटिव व्यूज भी आते हैं। ये तो लड़कियों की अपनी समझ होगी, तभी तो बोलते हैं 21 वर्ष रखी गई है ताकि वो आगे से मैच्योर हो जाएंगी, कि उसको सही और गलत के बारे में फैसला लेना आ जाएगा, क्योंकि मैंने पीछे भविष्य में जो पास्ट में जो गलती की थी वो कैसा क्या है, उस रियलाइजेशन होगा उस समय पे आके 21 वर्ष की उम्र में। तो सर मेरे हिसाब से तो सही लिया फैसला, सरकार ने फैसला सही लिया है। आप बताइए क्या कहेंगे इस पे? सर सही है बिल्कुल, मेरी तरफ से भी यही है कि जैसे कि लड़कियां 18 वर्ष की होती है
तो कई जैसे कि ये भागने वाले ज़्यादा केसेस होते हैं, क्यों नहीं होते? जैसे लड़कियां स्कूलों में भी ऐसे ऐरे गरे चक्करों में मतलब फंसने लग जाते हैं, तो उनकी शादी कर देते हैं माँ बाप। लेकिन मेरी तरफ से कई लड़कियां ऐसी होती कि माँ बाप ये सोचते कि इसकी लड़की की कर दी शादी, चलो हमारी भी कर दे। लेकिन किसी किसी लड़की कई क्या होते हैं कि पढ़ना चाहती है, अपने कदम उठाना चाहती है कि आगे, लेकिन उनको भी ऐसे शादी में बंद दिया जाता है। और फिर क्या है, शादी होने के बाद तो सीधा फिर फैमिली वगैरह हो जाती है। तो फिर सर ये गलत है, जैसे हम खुद चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारी शादी 18 वर्ष की ना हो और हम भी आगे पढ़े। 21 वर्ष सही है सर, सरकार की मैं सही मानती हूँ इस बात को। आप बताइए जी, क्या कहेंगे इसको? बताइए, बताओ सरकार का सर, गरीब परिवार लड़की शादी जल्दी कर देते हैं सर, तो पढ़ नहीं पाती वो। बच्चियों का, बच्चियां जैसे पढ़ने के लिए होती है कि भी इच्छुक होती है पढ़ने के लिए, भी पेरेंट्स उसको पढ़ाए, लेकिन वो शादी के उसमें फंसा करके बच्चों को जैसे रोक देते हैं कि वो पढ़ नहीं पाती, वो घर गृहस्थी में चली जाती है। सर कुछ लड़के जैसे सर बड़ी बहन के साथ छोटी भी उसकी शादी कर देते, सर वो ऐसे फंस जाती है सर, वो तो बड़ी के साथ फंस जाती है छोटी, तो अब सर सही होगा कि अब 21 साल की नहीं होगी। सर मतलब मेरी छोटी बहन यानी कि मेरी शादी करना चाहते हैं, तो सर मेरी भी जो छोटी बहन है उसके भी साथ साथ यानी कि कर रहे हैं, यानी कि तो मतलब सर और रखे ये कैसे बहुत ज्यादा, मतलब जो बड़ी बहन के साथ जैसे छोटियों की शादी कर देते हैं तो उसकी काफी कम उम्र होती है, तो ये वे भी हाँ मैच्योर नहीं होती है शादी करने के लिए, और अभी उनको पढ़ना भी होता है जैसे। तो जैसे आप भी बताइए क्या क्या कहेंगे इसके लिए? सर सरकार ने बहुत अच्छा फैसला किया है ये, पहले जैसे ही सर गरीब लोग होते हैं सर, 21 सर 18 साल के लड़के साथ ही शादी करते हैं सर, 18 लड़के मतलब इतनी सोचने की वो सहन शक्ति नहीं होती है कि वो इतना सोच सकती हैं घर के अगली गृहस्थी के बारे में सर, तो 21 साल तक तो सर लड़के की शादी सही करी। तो आपने देखा कि काफ़ी लड़कियों की हमने यहाँ राय जानी चाहिए है, और इन्होंने बताया कि सरकार का फैसला ज़्यादातर सही है क्योंकि बच्चों को इसमें मैच्योर होने का मौका मिलेगा, और जो है 21 वर्ष जब शादी के होंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं पढ़ के और जो है अपने पैरों पे खड़ा होने की कोशिश करेगा, किसी पे बोझ ना बनेगा। और जैसे इनका कई जो लड़कियां हैं उनका मानना है कि जो लड़कियां बड़ी जो बहनें होती है उसके साथ छोटी बहन की भी शादी करती जाती है, लेकिन इस तरह के फैसले से ये लगता है कि काफ़ी लड़कियों पर जिस तरह से जो शादी कर दी जाती है बगैर उम्र के हिसाब से, तो इस पे अंकुश लगाने का ये काम सरकार ने किया है। तो यहाँ पर जो है कुछ प्रतिक्रियाएँ हैं, मिली जुली प्रतिक्रियाएँ हमारे जैसे सुनने को मिली है, तो हम इस मैसेज को सभी लोगों से कहना चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम फिर किसी न किसी मोड़ पर दोबारा से हाजिर होते हैं, आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइन उसके साथ। नमस्कार।